चलिए मैं हम बात करते हैं सीसी क्रीम के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये कलर करेक्टर का काम करता है, जो स्किन है उसे इवन टोन करने में हेल्प करता है। हमारी जो स्किन है जो अनइवन हो चुकी है, अलग अलग कलर हो चुके हैं, पैच हो चुका है, दाग हो चुका है, धब्बा हो चुका है, या फिर कभी कभी सनबर्न की वजह से हेड फोरहेड जो होता है वो अलग कलर में होता है, बाकी जो स्किन होती है वो अलग कलर में होती है, तो उसे ये कलर करेक्ट करने में काम करता है। साथ ही साथ ये स्किन को टोन करता है। मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको बताती हूँ वहां पे क्लियर एक वर्ड आपको मैं हमेशा यूज करती हूँ कि हमारी स्किन को ये टोन करने का काम करता है, या फिर टोन करने में मदद करता है, सहायता करता है कि हमारी जो स्किन है वो टोन रहे। अगर ये टोन नहीं होगी तो कोई काम की हमारी क्रीम नहीं होती है। तो यहाँ पे आपकी जो सीसी क्रीम है वो आपकी स्किन को सबसे पहले टोन करने का काम करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पिंपल्स वगैरह की जिन्हें बहुत समस्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी ब्राइडल जो होती हैं पिंपल्स इतनी ज्यादा उन्हें हो जाती है कि वो जब मेकअप करती है तो उसके बाद भी पिंपल्स ऊपर से उठ के दिखाई देता है अलग अलग जगह पे। तो जो पिंपल्स वाले लोग हैं ये बहुत उनके फेस पे अच्छे से काम करेगा। या फिर जिनके पोर्स ओपन रहते हैं, जो गड्ढे छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वो पोर्स को क्लीन करना तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ उस पोर्स को धीरे धीरे भरना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो पोर्स इतने मतलब छोटे छोटे गड्ढे छिद्र दिखाई देंगे कि हमारी स्किन उसके देखा जाए तो स्किन में वो बहुत अजीब या अलग दिखेगा। तो ये पोर्स को भी धीरे धीरे भरने का काम करता है, क्योर करने का काम करता है, आपकी स्किन को टोन अच्छे से कर रहा है। पिंपल्स वाली जो स्किन है उस पर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो ओपन पोर्स हैं उस पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन को ये नरिश और मॉइस्चराइज भी करता है। जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं आपकी स्किन को ये कोमल बनाता है, आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को ये पोषण देता है। अब क्योंकि अगर इतना जब चीज आपकी स्किन को मिलता है तो आपकी स्किन क्या होती है, नरिश और मॉइस्चराइज हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है, चमकदार हो जाती है, आप इसे कह सकते हैं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। तो पिंपल्स की समस्या पे अगर आप इसे अप्लाई करें तो उस पर भी धीरे धीरे क्योर करने का काम करेगा। अगर बात की जाए तो जो रेडनेस वाली जो स्किन होती है, जो रेड कलर की जो स्किन होती है उस पर भी बहुत अच्छे से ये काम करेगा। या फिर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उनकी स्किन पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन अब सीसी क्रीम का होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें 9-in-1 दिखा गया। 9-in-1 की बात करूं तो सबसे पहले आता है लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा गया है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप सभी के पास होगा तो एक बार आप खुद अपने प्रोडक्ट को हाथ में लेके चेक कर लीजिए कि वहां पे क्या क्या लिखा गया है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आज लगाया और कल या परसों तक चले, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये है कि जैसे आप बाहर निकल रहे हो घर से, क्योंकि अगर मैं रेडी होके बाहर जा रही हूं तो मैं हर 2 घंटे या 3 घंटे में बार बार मेकअप नहीं कर सकती। बहुत सारी मेल और बहुत सारे फीमेल ऐसे भी हैं कि जो घर से रेडी होके निकलते हैं तो डायरेक्ट इवनिंग में जब वो अपने घर आते हैं तभी उनका फेस वॉश हो पाता है, तभी उनके फेस से जो मेकअप या होता है या फिर जो प्रोडक्ट अप्लाई किया होता है तभी ही वो रिमूव हो पाता है। तो ये इजीली आप जब भी अप्लाई करोगे तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा। लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाए, जैसे आप बाहर जाके आ गए तो इसे एक बार कॉटन से अच्छे से क्लींजिंग मिल्क के थ्रू रिमूव कर लें, फिर क्या होगा कि आपकी जो जितनी जरूरत थी उस पर ये बहुत अच्छे से काम किया। और अगर आपको उसे कंटिन्यू रखना है तो घर जब भी आते हो तो रिमूव करके फेस को अच्छे से क्लीन करके उसे रिपीट आप दूसरा लगा सकते हो, क्योंकि जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी डस्ट धूल मिट्टी सब जम जाती है स्किन के ऊपर, तो उसी को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने घर बाहर जाके जहां आपका जाना आना या मीटिंग या फिर जो भी है वहां से जब आप आते हो तो उसे क्लीन करो अच्छे से, स्किन को नरिश मॉइस्चराइज करो, टोनर करो, उसके बाद आप डायरेक्ट फिर से अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैं अगर घर पे रहती हूँ तो भी मैं सीसी क्रीम अप्लाई करती हूँ,
जरूरी नहीं कि मैं बाहर जाऊंगी तो ही मैं सीसी क्रीम अप्लाई करूंगी, मैं घर पे भी होती हूँ तो भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ, बिकॉज ये घर के लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि स्किन की क्योर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे हम घर हों चाहे घर से हम बाहर हों। दूसरा यहाँ पे है अप टू 24 आवर्स, मैंने बताया कि लॉन्ग लास्टिंग जो है वो काफी ज्यादा है, 24 आवर्स मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब आज सुबह आप 10 बजे लगाते हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 o'clock तक ये आपकी स्किन पे चलता है, लेकिन हमें स्किन पे उतना इसे रखना नहीं है। मैंने बताया था कि हमारे स्किन को कम से कम तीन बार फेस वॉश की जरूरत है, तो 24 आवर्स अगर इसे हम रखेंगे तो फेस वॉश कैसे करेंगे, तो जब हमारी जरूरत खत्म हो जाती तो हमें इसे रिमूव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप रिमूव करके आप रिपीट लगा सकते हो, फेस को अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चराइज नरिश करके आप रिपीट फिर से सीसी क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो हाइड्रेशन है। मैंने अभी बताया कि जब आप इसे अप्लाई करते हो आपकी स्किन के ऊपर तो आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है, ग्लो देने का काम करता है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन के जो पॉइंट है वो इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ताकि आपकी स्किन को चमकदार बनाए, आपकी स्किन में ग्लो लाए, साथ ही साथ आपकी स्किन को आपकी जो स्किन है उसे हाइड्रेट भी रखे, आपकी स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो भी ये मेंटेन रखे, वो ध्यान रखते हुए ही ये सीसी क्रीम बनाई गई है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम कोई क्रीम अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन क्या होता है धीरे धीरे वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है या फिर क्रैक्स वगैरह पड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो सीसी क्रीम है वो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने का काम करेगा, आपकी स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसे मेंटेन करने का काम करेगा, इवन टोन आपके स्किन को इवन टोन बनाएगा, ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ये तो मैं कि आपकी जो ये स्किन है उसे इवन टोन बनाएगा बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि आपकी स्किन अलग अलग कलर में हो जाती है, तो जैसे फोरहेड अलग कलर में है, आपका चीक कलर अलग कलर में है, चिन अलग कलर में है, तो वो जो अनइवन स्किन है उसे क्या करेगा ये इवन करने में सपोर्ट करेगा, कलर को मैच करने में सपोर्ट करेगा, कलर करेक्टर या फिर कलर केयर जैसे सर ने कहा ऊपर, तो वहां भी इसका अच्छे से यूज हो सकता है। सुपर मेकअप के तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारी फीमेल हैं इंक्लूडिंग मी, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो जब भी बाहर जाती हैं तो अपने फेस पे बहुत सारे लेयर रेडी करती हैं। लेयर रेडी करने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत मेकअप करना चाहते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। लेयर रेडी करने का मतलब ये है, पहले ऐसे माना जाता था कि हम पहले कहा जाता था मेकअप लगाना मतलब खुद की सुंदरता को निखारना या फिर सुंदरता बनाए रखना कहा जाता था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, मैं अब की बात करूं और ये पोल्यूशन और रेसेस वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो मेरे लिए इसलिए जरूरी है इतनी सारी लेयर रेडी करना या सीसी क्रीम लगाना, व्हाइटनिंग क्रीम लगाना, डे क्रीम लगाना, सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि मैं अपनी स्किन को, अपनी जो स्किन है उसकी मैं अच्छी देखभाल करना चाहती हूँ, उसे डैमेज नहीं करना चाहती हूँ। हो सकता है अगर ये मैं यही चीज मैं 10 साल पहले करती तो हो सकता था ये कहा जाता कि मैं अपनी स्किन को सुंदर, अपनी स्किन की सुंदरता बनाए रखने के लिए करना चाहती हूँ। सुंदरता तो बनाए रखने के लिए करना ही चाहती हूँ, साथ साथ अपनी स्किन की देखभाल भी करना चाहती हूँ। जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था कि आईफोन पे हम इतने सारे चीज लगाते हैं, आईफोन अगर हम लेते हैं, कवर लगाते हैं, कार्ड लगाते हैं, उसे बार बार क्लीन करते रहते हैं, भाई ये तो हमारा फेस है, तो इसके लिए तो हम जितना करें उतना भी कम ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारी जो लेडीज हैं मेकअप अप्लाई करती हैं प्रॉपर तरीके से, प्राइमर कंसीलर फाउंडेशन लगाती हैं, अगर कोई लेडी ऐसी है जो प्रॉपर मेकअप करके ही घर से बाहर निकलती है तो उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट होगा। दूसरा, आप इसे अपने पार्लर सलोन में भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पार्लर में जब किसी ब्राइडल को रेडी किया जाता है या फिर नॉर्मल एक छोटा सा मेकअप भी किया जाता है या फिर कोई लेडी अपने घर के अंदर भी अगर मेकअप करती है तो वहां भी वो कंसीलर का यूज करती है। कंसीलर हम सभी को पता है, कंसीलर क्या करता है,
स्किन को करेक्ट करने का काम करता है। जैसे कोई दाग धब्बे रह गए हैं तो उसे वो छुपाने का काम करता है, पिंपल्स वगैरह को हाइड करने का काम करता है, रेडनेस जो होती उसे हाइड करने का काम करता है, डार्क सर्कल को अच्छे से वो हाइड करने का काम करता है। अगर उस तरह की कोई किसी की स्किन है या फिर कोई लेडी मेकअप प्रॉपर तरीके से यूज करती हैं डेली के लिए, तो उनके लिए भी आप बता सकते हो कि हमारी जो सीसी क्रीम है एक तरह से कंसीलर का भी काम अच्छी तरीके से करेगी, स्किन को कंसील करने का भी काम करेगी, स्किन को करेक्ट करने का भी काम करेगी, स्किन को केयर करने का भी काम करेगी। आनंद जी का क्वेश्चन है कि एनी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर? बिल्कुल नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता, हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर सेम ही होते हैं सर। हाइड्रेट करना, पीएच बैलेंस मेंटेन करना, मॉइस्चराइज करना आपकी स्किन को जो हाइड्रेशन की जरूरत होती है वो यहाँ पे बनाए रखने का काम होता है। थोड़ा सा वर्डिंग में डिफरेंस हो सकता है सर, अदरवाइज तो टेक्निकल वर्ड है तो आप बता बोल सकते हैं, अदरवाइज दोनों का काम सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आप कहा बताया कि जो कंसीलर रोज यूज करते हैं या फिर जो डेली कंसीलर का बेस बनाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट होगा कि आप उन्हें सीसी क्रीम के बारे में बताएं, उन्हें सीसी क्रीम के बारे में डिटेल में बताएं, क्योंकि कंसीलर का काम ही यही होता है कि स्किन को करेक्ट करे, स्किन की केयर करे। अगर हम मेकअप अप्लाई करें तो पहला जो बेस होता है वो कंसीलर का ही होता है, और हमारी सीसी क्रीम बहुत अच्छे से इसका काम करती है। पिगमेंटेशन पे ये काम करेगी, दाग धब्बों को छुपाएगी, रेडनेस वाली स्किन को भी ये हाइड करती है। तो इतना सारा काम कंसीलर ही करता है, और सीसी क्रीम जो हमारे पास है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती। प्रोवेदा इंडिया ने एक बोलते हैं ना कि लाजवाब प्रोडक्ट आपको दिया है कि आप बहुत इजी तरीके से अगर आप चाहो तो इस पे इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो कि आपको हम सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छे से ये काम करेगा एक सीसी क्रीम। दूसरा अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो जो डेड स्किन होती है इसे भी ये रिमूव करता है, धीरे धीरे करता है, एक साथ ये पता आपको नहीं चलेगा। दाग धब्बों को भी क्या करेगा, ये हाइड करने का काम करेगा। ये सिर्फ दाग धब्बों को छुपाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो दाग धब्बों को छुपाएगा, अगर आपने इसे अपने डेली रूटीन में ऐड किया सीसी क्रीम को तो ये दाग धब्बों को धीरे 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 रिमूव करने का भी काम करेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन लगेगा या दो दिन लगेगा तो तब तो पॉसिबल शायद नहीं है कि दाग धब्बे जो है वो स्किन पे वो रिमूव हो जाएं। अगर आपने अपनी डेली रूटीन में से ऐड किया सीसी क्रीम को तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, दाग धब्बों को रिमूव करने का काम करेगा, पिगमेंटेशन को धीरे धीरे रिमूव करने का काम करेगा, एक्ने की जो समस्या है, जो पोर्स की समस्या है, इसे क्या करेगा, धीरे धीरे रिमूव करने का काम करेगा। दूसरी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास अमित जी का दो बार क्वेश्चन आ गया कि एज बताने के लिए, तो आप इन्हें जो बढ़ती उम्र है या फिर जिनकी स्किन मैच्योर हो चुकी है उनको आप दे सकते हो, अदरवाइज आप ये किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन जो स्पेशली ये काम करेगा जो बढ़ती उम्र है उनके स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगा, या फिर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मैच्योर हो रही है या फिर हो चुकी है उनकी स्किन पे भी ये काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन आप इसे सभी को अप्लाई करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में एक रिजल्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। और मैं चाहूंगी कि आपके बैग में कुछ हो ना हो लेकिन एक सीसी क्रीम जरूर हो। अभी मैं अप्लाई करके आपको इसको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा लोगों को बताने के लिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मेकअप के लिए भी बहुत अच्छा है और फुल ये कवरेज देता है। जब भी हम कोई प्राइमर लगाते हैं या फिर कंसीलर लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से कवर करे, उसका जो कवरेज है वो भी बना रहे काफी और अच्छा। आपको जो बोलते ना कि एक कवरेज लगाते टाइम हमें वो फील ना हो, उसका वेट बहुत लाइट हो, लेकिन अप्लाई जब हो तो अच्छे से वो कवर करे सारी प्रॉब्लम्स को और उसे ग्लो करने का काम करे। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो साथ में ऐड करके दिया गया कि ये फुल कवरेज है।
तो आप इजीली अपने सलोन में यूज कर सकते हैं, आप इजीली अपने पार्लर में यूज कर सकते हैं। आप खुद पे अप्लाई करिए इसे पहले और फिर आप लोगों को प्रमोट करना शुरू करिए। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि पहले आप इसे खुद पे अप्लाई करिए, खुद लगाएंगे तो आपको रिजल्ट पता चलेगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर जब तक मैं सेल्फ यूजर नहीं होती तो शायद मैं आपको इसके बारे में इतना नहीं बता सकती थी, शायद मैं इसके रिजल्ट के बारे में आपको नहीं बता सकती थी। और आपको मैं एक प्लस पॉइंट बता दूं कि अगर आप पूरा मेकअप नहीं कर रहे हैं डेली रूटीन में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें लगता है कि जो मेकअप होता है वो सिर्फ फीमेल करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेकअप आज के डेट में मेल भी करते हैं। अगर आप पूरा मेकअप नहीं करना चाहती हैं तो भी आप अपना अच्छे से क्लींजिंग करिए, सीटीएम करिए, फेस वॉश करिए, सीटीएम करिए, और आप सनस्क्रीन अप्लाई करके आप सीसी क्रीम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपको ये अच्छा, जैसे फुल कवरेज तो आएगा ही आएगा, ग्लो भी देगा और एक मेकअप का भी अच्छे से काम करता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे विक्रम जी का क्वेश्चन है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बिल्कुल सर, मैं हमेशा जिस दिन मीटिंग की शुरुआत हुई थी मैंने उसी दिन ये क्लियर किया था कि पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है या फिर ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि स्किन की केयर सिर्फ और सिर्फ लेडीज करेंगी। आज जितनी केयर लेडीज अपने स्किन की करती हैं उससे कहीं ज्यादा जेंट्स भी करते हैं, तो बिल्कुल ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए हमारा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है। और सीसी क्रीम की अगर बात की जाए तो ये भी लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप दोनों के लिए यूज करना है। कोई भी प्रोडक्ट पे आप देख लीजिए या फिर चेक करिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि इसे सिर्फ मेल यूज करेंगे या फीमेल यूज करेंगे, मैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे यूज करेंगे, इवन मेल इसे अगर यूज करेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि उनके फेस पे अनइवन टोन ज्यादा दिखाई देते हैं, अगर वो यहाँ पे सीसी क्रीम का यूज करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो आप मेल के लिए भी कह सकते हैं अप्लाई करने के लिए। दूसरा अगर मैं बात यहाँ पे करूं तो जो सीबम है स्किन पे, हमारे जो छोटे छोटे सीबम्स होते हैं उसे भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसे भी ये क्योर करने का काम करता है। जो यूवी रेसेस आती हैं उसे भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। देन यहाँ पे आता है ब्राइटनिंग, जो सेकंड लास्ट यहाँ पे लिखा गया है ब्राइटनिंग। आप कहीं भी जाएंगे तो ब्राइटनिंग क्रीम अलग से दी जाती है, और एक ब्राइटनिंग क्रीम के जो अगर मैं बात करूं चार्जेस के तो काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको सीसी क्रीम के अंदर ही ब्राइटनिंग क्रीम ऐड करके दे दी गई है, आपको अलग से कोई ब्राइटनिंग क्रीम नहीं लगाने की जरूरत है। आप डायरेक्टली सीसी क्रीम अप्लाई करेंगे तो वहां पे ही आपको डायरेक्टली ब्राइट जो करता है हमारी स्किन को, वो आपको सीसी क्रीम के माध्यम से ही वो मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया SPF 35 प्लस, मतलब आप देख सकते हैं और अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इसको फील होगा कि इसके अंदर SPF इतनी ज्यादा मात्रा में दिया गया है कि हमारे स्किन को ये कितना प्रोटेक्ट करेगा। जो रेसेस डायरेक्ट लग रही थी स्किन पे, जो यूवी रेस ए और जो वी आ रही थी हमारी स्किन को डैमेज कर रही थी, यहाँ पे आप सनस्क्रीन अलग से भी लगा रहे हैं और इसके अंदर ऐड भी किया गया है, तो अगर दो दो लेयर सनस्क्रीन की बनती है तो सीधी सी बात है आपकी स्किन को कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, अगर आपने इसे प्रॉपर तरीके से यूज किया तो। हमेशा क्वेश्चन मार्क इसलिए बन जाता है कि अगर आपने किया तो, आपने अप्लाई किया तो, आप अप्लाई नहीं करोगे इसे लेके रखोगे हफ्ते में एक या दो दिन अप्लाई करोगे तो उस रिजल्ट की गारंटी तो या श्योरिटी तो शायद कोई भी नहीं दे पाएगा। अगर आपने डेली रूटीन में लाया तो मैंने आपको शुरुआती में ही बताया कि ये पिगमेंटेशन पे अच्छे से काम करेगा, ये पिंपल्स पे अच्छे से काम करेगा, ये एक्ने पे अच्छे से काम करेगा, ये पोर्स जो ओपन है उस पे बहुत अच्छे से काम करेगा, दाग धब्बों पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, धीरे धीरे रिमूव करने का काम करेगा, ये अगर ये डेली रूटीन में आया तो।
डलनेस जो होती है हमारे स्किन के अंदर, अगर उस तरह की कोई समस्या है तो आप अगर इसे डेली रूटीन में लाते हैं अपने, तो वहां भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन ये सारी चीजें हुई तो हर क्वेश्चन आके घूम फिर के वहीं पे अटक रहा है कि अगर आपने हमेशा यूज किया तो हो सकता है। दूसरा, ये इसका जो वेट है, क्रीम का जो वेट, अगर मैं बात करूं यहां पे टेक्सचर की, तो इसका जो वेट है बहुत लाइट है, और ये लाइट वेट होने की ही वजह से वो इजिली हमारे स्किन में बोलते हैं जो स्प्रेड हो जाता है, अच्छे से लग जाता है स्किन में। क्योंकि जितना वेट लाइट होगा उतनी ही ज्यादा आपके स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट माना जाएगा, उतना ही इजी आपके स्किन को ये स्प्रेड कर पाएगा। यहाँ पे आनंद जी का एक क्वेश्चन है कि क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन एंड देन सीसी क्रीम। नो मैडम, सर वैसे अगर देखा जाए तो थाली के अंदर दाल और चावल होता है उससे भी पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी हम पूरा मेन्यू लेके बैठते, दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड अचार, तो अगर स्किन की बात आ रही है तो वहां पे अगर आप नो कहते हैं तो सर ये एक तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि आप अपनी स्किन की केयर नहीं करना चाहते, तो ये अलग बात है। अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है, आपको स्किन को अच्छे से मतलब बोलते हैं ना कि बनाए रखना है, तो इतनी प्रोडक्ट तो यूज करने ही होते हैं सर। अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको 7 से 8 तरह के प्रोडक्ट दो देगा। अच्छा, उन्होंने कहा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल इतना कम क्लींजिंग टोनिंग सर, आपका जो रूटीन होता है मॉर्निंग में उठ के फेस वॉश करना कंपलसरी है, बिना मुंह धुले हम बाहर नहीं जा सकते, बिना ब्रश किए हम बाहर नहीं जा सकते, तो क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जो सीटीएम है वो करना कंपलसरी है सर। आई नो क्वेश्चन मुझे समझ गया है आपका, सो डोंट वरी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज किए बिना हम घर से बाहर नहीं जा सकते सर, ये तो हमारा नॉर्मल बेस है सर, हमें ये करना ही पड़ेगा, फेस को क्लीन करना ही पड़ेगा। जैसे बिना दांत घसे हम पानी नहीं पी सकते, चाय नहीं पी सकते, उसी तरीके से अपनी स्किन को क्लीन किए बिना हम कुछ चीज कर ही नहीं सकते। तो हमें ये तो ध्यान रखना ही होगा कि सीटीएम हो ही हमारे स्किन की, देन आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है और सीसी क्रीम अप्लाई करना है। ये हमें शुरुआती दौर में लगता है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, या फिर बहुत लंबा बताया जा रहा है, या बहुत बड़ा है, ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन लिटरली मैं बताना चाहूंगी, जब आप धीरे धीरे अपने रूटीन में इसे आप लाते हो, अप्लाई करते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये तो बहुत जरूरी है स्किन के लिए, ये तो लगना ही चाहिए स्किन पे। लेकिन जैसे जैसे आपके रूटीन में आएगा, तब जब आपको इसका ग्लो मिलेगा तभी आपको समझ पाएगा। देन यहां पे जैसे मैंने बताया, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट है। सेकंड की ये जो काम करेगा, वो सबसे अच्छा जो काम होगा वो ऑयली स्किन पे काम करेगा। बाकी आप अपने नॉर्मल ड्राई और बाकी जो स्किन है उसे भी आप प्रोवाइड करा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा काम जो है उसके लिए देखा जाए तो ऑयली स्किन पे ही ये काम करेगा। धर्मेंद्र जी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि फेस पे दाग धब्बे हैं तो क्या अप्लाई करना है। सीटीएम डेली रूटीन में लाइए सर, सनस्क्रीन अप्लाई करिए डे में, रात में नाइट क्रीम यूज करिए, और साथ साथ आपको डे में सीसी क्रीम अप्लाई करना है। ऑल इन वन है तो बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए। दूसरा, ये आपकी स्किन पे जो मैंने भी बताया मेकअप का, तो ये आपके मेकअप पे लेयर बना रहा है, साथ साथ मेकअप की एक लेयर बना रहा है, साथ साथ आपकी स्किन को प्रोटीन भी देने का काम करता है, पोषण भी देने का ये काम करता है। अगर मैं बात करूं कि ये कौन से सीजन में सबसे अच्छा काम करेगा,
तो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो काम ये करेगा वो समर में करेगा। गर्मियों में ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि गर्मियों में ही रेसेस जो होती हैं, पोल्यूशन जो होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है। धूप में जब हम निकलते हैं, तो अगर मैं कल का ही बताऊं आपको, तो कल का जो डिग्री था मुंबई का, कल्याण मुंबई का जो डिग्री था वो 39-40 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था। मतलब इतनी ज्यादा कड़ी धूप थी। और वहां पे अगर मैंने सीसी क्रीम यूज किया हुआ है, उसके बाद अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या फिर कहीं मीटिंग करने जाऊँ, तो मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा वो काम किया। मुझे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इवन मैं जिस तरीके से स्किन पे अपने प्रोडक्ट अप्लाई करके गई थी, घर रिटर्न आने के बाद स्किन वैसे ही थी। कहीं से सनबर्न नहीं हुआ था, कहीं से स्किन डैमेज नहीं हुई, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ सीसी क्रीम। अगर ये मैंने अप्लाई नहीं किया होता तो शायद कल 39-40 डिग्री मुंबई में बहुत ज्यादा हो जाता है, कल उतनी डिग्री पे भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। साथ साथ ये बढ़ती उम्र वाले, जैसे दाग धब्बा, रिंकल, फाइन लाइन, उस पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी माना जाता है। इसके अंदर SPF 35 ऐड किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अभी बताया रेसेस वगैरह के जो किरणें हैं, जो यूवी रेसेस आ रही, उस पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। साथ साथ इसकी जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो भी काफी अच्छी है। तो किसी किसी को स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे स्मेल अच्छी नहीं तो कैसे अप्लाई किया जाए, तो जो सीसी क्रीम की हमारी स्मेल है वो भी काफी अच्छी है। वो भी आप बता सकते हैं कि जो सीसी क्रीम की स्मेल है काफी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोगों को स्किन से भी एलर्जी स्मेल से भी एलर्जी होती है। दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन है कि ब्यूटी बाम जैसे बीबी क्रीम और सीसी क्रीम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सीसी क्रीम बहुत रेयर कंपनियां होंगी, और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत रेयर कंपनी होगी जो आपको सीसी क्रीम प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि सीसी क्रीम कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। सीसी क्रीम के बारे में ज्यादा कोई इतना मतलब डिटेल में जाएगा या नहीं जाएगा वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सीसी क्रीम मैंने देखा है, जितना मेरी नॉलेज में है कि सीसी क्रीम किसी के पास है नहीं, बहुत रेयर लोगों के पास ही सीसी क्रीम होगी। वहां पे प्रोवेदा इंडिया ने हमें जो प्रोवाइड किया है सीसी क्रीम दिया है। सीसी क्रीम और बीबी क्रीम का डिफरेंस क्या है? लोगों के पास बीबी क्रीम बहुत इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन बीबी क्रीम जो होती है वो ब्यूटी बाम होती है, वो एक तरह से फाउंडेशन का काम करती है। लेकिन अगर सीसी क्रीम की मैं बात करने जाऊं तो इतने सारे कवरेज आपको प्रोवाइड कर रही है, कंसीलिंग का काम अच्छे से कर रही है, और साथ साथ ये आपके इतनी सारी समस्याओं पे काम कर रही है, प्रॉब्लम्स पे काम कर रही है, एक्ने पे काम कर रही है, पिंपल्स पे काम कर रही है, पिगमेंटेशन पे काम कर रही है, झाइयां पे काम कर रही है, एजिंग पे काम कर रही है, साथ साथ कंसीलिंग का काम करती है। सबसे बेस्ट यही है कि ये कंसील जो एक बेस होती है उस पे काम करती है, क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक फाउंडेशन नहीं लग सकता, और बीबी क्रीम फाउंडेशन का काम करती है, कंसीलर का काम बिल्कुल नहीं करती है। और सीसी क्रीम कंसीलर का काम करती है, बेस को तैयार करने का काम बहुत अच्छे तरीके से सीसी क्रीम करती है। मैं आपको उसका यूज स्प्रेड कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए कि कितना ये लाइट वेट है। ये तो आप जब अप्लाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा, और लेकिन ये टेक्सचर आप इसका देख सकते हो कि किस तरीके से है। ये यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली एक वीडियो में बता रही हूँ हल्का सा, अदरवाइज जब आप इसे खुद अप्लाई करोगे तो ही आपको आइडिया मिलेगा। बहुत इजीली स्प्रेड हो गया, ज्यादा मतलब स्प्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, ये फटाक से ऑब्जर्व करता है आपकी स्किन में, और फटाक से क्या होता है कलर में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। तो आज हमने जो बात किया वो सीसी क्रीम से रिलेटेड हमने इतनी बात की,